देखिए आज मैं आपको जो हमारा हैंड वाला पर्स होता है हैंड पर्स कहिए या आप उसमें कुछ अपनी छोटी मोटी सामने स्टोर करके रख सकते हैं सबसे पहले हम एक मेन फैब्रिक लेंगे और एक लेंगे हम फॉम का टुकड़ा ये हमने एक फॉम का टुकड़ा लिया है इस फॉम के टुकड़े को हम बीच पर रखेंगे और मेन फैब्रिक को ऊपर रखते हुए लास्ट में हम अस्तर को रखेंगे इस तरीके से हम तीन पीसेस से इसे बनाएंगे ये देखिए आप इसे इसमें बॉक्स नुमा बना सकते हैं बॉक्स नुमा बनाने के बाद आप कोई भी डिज़ाइन में इसमें सिलाई कर सकते हैं अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप दो टुकड़े ले सकते हैं वरना आप एक ही टुकड़े से कम्प्लीट कर सकते हैं ये देखिए मैंने जो मेन फैब्रिक है उसमें इस तरीके से सिलाई करके तैयार कर लिया है बॉक्स नुमा अब देखिए हम इसे पलटेंगे और पलटने के बाद इस तरीके से हम इसे डबल करेंगे अब डबल करने के बाद हम किस तरीके से इसमें चैन लगाएंगे देखिए चैन की सुलटी साइड नीचे को करते हुए इस तरीके से हमने इसमें ये मशीन रख देनी है अब आप चैन वैसे बहुत तरीके से लगती है आप अपने हिसाब से लगाइए जिस तरीके से आप लगाते हैं मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ फिर हम इसमें प्रेस्टिज कर लेंगे ऊपर से ओपन फ्रंट की सिलाई देंगे जिससे हमारी जो चैन है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए अब ठीक इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी हम इसमें चैन लगा लेंगे अब इस तरफ की चैन लगाने के लिए हमें उस तरफ इस तरीके से मोड़ करके चैन में इसमें अटैच कर देंगे अब देखिए मैंने अपनी दोनों साइड की चैन लगा ली है अब हम इसमें एक छोटा सा हैंडल बनाएंगे जिससे कि हमारा पर्स टंग भी जाए और उसमें सो भी आ जाए चाहे आप उंगली से पकड़ लें उसे अब एक हमने पट्टी तैयार करनी है इस तरीके से सेम कपड़े की चाहे आप कंट्रास्ट भी ले सकते हैं इस तरीके से अंदर को करते हुए देखिए इस तरीके से अंदर को करते हुए हम एक कॉर्नर की सिलाई पूरी कर देंगे हमने शुरू से लेके लास्ट तक पूरी सिलाई इसमें रख देनी है जिससे हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ में हमारा जो हम हैंडल अपना लगा रहे हैं वो भी लग करके तैयार हो जाएगा अब एक साइड हमने ये रेडी कर लिया है और जो भी तागे वगैरह आएंगे आप उन्हें काट लीजिए इसी तरीके से हमने सेकंड साइड भी अपनी कंप्लीट कर ली है अब हम इसे ओपन करेंगे ओपन करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से बन करके रेडी होगा आप इसके कॉर्नर्स पूरे कम्प्लीटली या तो कैची से या उंगली से इस तरीके से निकाल लीजिए जिससे ये पूरा एकदम से खुल जाए और देखिए ये केवल वन कट में ही इसमें कोई कट लगाने की जरूरत भी नहीं है इसे बहुत अच्छा पर्स बन करके तैयार हो जाता है जिसमें बच्चे अपने ड्राइंग का सामान या आप अपनी सिलाई का सामान या छोटे मोटे जो भी देखिए इधर उधर सामान हो जाता है तो हम उसको इस तरीके से इन पर्सों में रख सकते हैं केवल इसमें एक चेन का खर्चा है बाकी सारा हमारा मटेरियल घर का ही है जो भी आपके पास वेस्ट कपड़ा हो या आपके पास कुछ ऐसी पुरानी चीज़ों से भी आप इसे बना सकते हैं और फॉर्म बिल्कुल मुफ्त में कपड़ों के बीच में आता है तो इस तरीके से देखिए मेरा ये पर्स बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है आप इसमें अपना जो भी मन चाह सामान रखना चाहें वो रख सकते हैं छोटा मोटा जो इधर उधर ना हो और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी देखिए इस तरीके से मैंने ये वीडियो बना दी कंप्लीट कर दिया ये पर्स बना कर के इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और पसंद आए तो कमेंट कीजिए प्लीज़